अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल सेविंग यानी कौमी बचत के बारे में। नेशनल सेविंग के तमाम सार्फीन इस वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। कौमी बचत बैंक के जितने भी सार्फीन हैं, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, सरमायाकार हैं, उन सब के लिए एक बहुत अहम खबर आ चुकी है। नेशनल सेविंग्स की जानिब से एक बहुत अहम ऐलान कर दिया गया है, पर यह ऐलान है इन सब के प्रॉफिट के बारे में। अगर आपने भी रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, या अगर आपने ये सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं और हर महीने आप इनसे मुनाफा ले रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी, ये वीडियो ना देखी, तो जो इंफॉर्मेशन नेशनल सेविंग्स की जानिब से जारी की गई है इन तीन सेविंग सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, अगर आपने मिस कर दी तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, आपको आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में आपके प्रॉफिट के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बरवक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, नेशनल सेविंग बैंक की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है कि रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के कवानीन तब्दील कर दिए गए हैं, और कौमी बचत बैंक की जानब से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट, इन सब पर नए कानून लागू कर दिए गए हैं और इन तीन अकाउंट्स के लिए लाजमी करार दे दिए गए हैं। नेशनल सेविंग्स की जानब से जारी किया गया इश्तहार भी आप देख सकते हैं। नेशनल सेविंग्स के मौजे सारफ मुतवजा हूं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट के कवानीन में तरमीम की रोशनी में इन तमाम स्कीमों के सार्फीन पर लाजम है कि वो अपना सेविंग्स अकाउंट लाजमी खुलवाएं, जहां उनकी मुतलका स्कीम का मुनाफा क्रेडिट किया जाएगा। तर्ज वाला स्कीमों के सरमायाकारों को मुतला किया जाता है कि नेशनल सेविंग्स की मुतलका ब्रांचों पर तशरीफ लाकर 31 अगस्त 2022 तक अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं। मुकर्रर तारीख के बाद प्रॉफिट कूपन के जरिए मुनाफा वसूल नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों, पहले यह होता था कि आपको कूपन और सर्टिफिकेट साथ ले जाने होते थे, तब आपको मुनाफा दिया जाता था। लेकिन अब यह आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप अपना मुनाफा एटीएम कार्ड या चेकबुक से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए लाजमी शर्त यह रखी गई है कि आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट होल्डर्स कूपन के जरिए अपना महाना मुनाफा हासिल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सेविंग अकाउंट 31 अगस्त 2022 से पहले लाजमी ओपन करवाना होगा, और इन तीनों सर्टिफिकेट्स का मुनाफा कौमी बचत की जानब से हर माह आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जहां से आप किसी भी वक्त अपना मुनाफा निकलवा सकते हैं। यह एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो भी फौरन आपके साथ शेयर की जाएगी। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।